गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 23 तारीख। हॉस्पिटल में गई थी मैं 23 तारीख को सुबह 3:30 बजे। मेरे सर में इतना ज़ोर से दर्द होने लगा कि मुझे सहन ही नहीं हुआ और मुझे 2 दिन उधर रुकना पड़ा। एडमिट किया था, इमरजेंसी में लेके गए थे तो वो लोग एडमिट तो करते ही हैं। और फिर मुझे ग्लूकोज वगैरह लगाई, पेन किलर दिया तो थोड़ा मुझे आराम आया। और मैं बैठी देख रही हूँ इधर उधर क्या हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के लिए मतलब जाने के बाद इतना वो होता है ना कि कब घर जाए घर जाए, बस टाइम पास ही नहीं हो रहा था। नींद भी इतनी नहीं आ रही थी, बैठी देख रही थी मोबाइल, बस खाली थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए लिया था कि मतलब वो सब दिखाती हूँ तो अच्छा भला सब आप देखते हो तो ये भी पार्ट्स मेरा ही है ना, तो वो भी देखना चाहिए ना मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अभी सब छुपाने से कुछ मतलब नहीं है। और ये ढोकला आया था, इसके साथ ना तो चटनी देते कुछ भी नहीं देते। इतना 5 बज गए, मुझे छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो मेडिक्लेम का सब करते करते बहुत टाइम लगाते हैं ये लोग। बिल क्लियर तो हो गया है, अभी क्या है बाकी पड़ा है, पता नहीं कब निकालेगी है। जल्दी से घर जाऊं और फिर जिया से मिलूं। परसों से छोड़ा है मैंने उसको, कल आई थी मैं सुबह 3:30 बजे। घंटा लग गया। मेरे को छुट्टी तो मिल गई दोपहर में, डॉक्टर 12 बजे आके छुट्टी दे के गया, लेकिन इनका बहुत क्या क्या रहता है सब, 4-5 घंटे चलता है। उसके बाद शाम को अभी 5 बज गए, मेरे को लगता है जाते जाते घर पे 7 बज जाएगा। ठीक हूँ मैं, कल मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इमरजेंसी में लाना पड़ा। ढोकले के साथ सॉस कौन देता है? आपने तो देखा होगा मेरी वीडियो में क्या क्या बनाती हूँ, चटनियाँ कितनी तरह की। मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद ये नर्स आई थी हाथ का वो सुई निकालने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया कितना 6:30 हो गया है, तो वो सुई निकालेगी। उसके बाद मैं फटाफट घर जाऊंगी। मैंने चेंज तो इस वो ये करने के बाद ही किया था, क्योंकि कपड़ा चेंज करेंगे तो फिर दुखता है ना हाथ वगैरह, सुई का डर लगता है, इसलिए बाद में मैंने फटाफट चेंज कर लिया। और हम लोग 7:30 बजे तक घर पे आ गए थे। ये निकाल रही है, अच्छे है, इनका स्टाफ अच्छा है, ध्यान देता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं, कौन सी दवाई देते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए ठीक है, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी है, तो फटाफट कुछ भी प्रॉब्लम होता है फटाफट उधर ही जाते हैं। मैं पहले मुझे डेंगू हुआ था तभी भी मैं उधर, तभी तो मैं 10 दिन एडमिट थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था। अभी तो मैं खाली 2 दिन में आ गई, बबन नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए बहुत। हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन इनका जो हॉस्पिटल की याद होती है ना वो बहुत बुरी होती है, नहीं चाहिए ये, भगवान किसी को भी नहीं भेजे। लेकिन हॉस्पिटल भी ज़रूरी होता है ना हमारे यार सुविधा के लिए, हमको कुछ तकलीफ हो तो ही हम लोग जा सकते हैं। फिर मैं घर पे आई, उसके बाद मेरे बड़े वाले बच्चे ने सैंडविच बनाए थे, क्योंकि मुझे सैंडविच खाने का मन था, और अभी हम खा रहे हैं सैंडविच। घर पे आके खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरी जिया से मिली तो मुझे आधा तकलीफ तो खत्म ही हो गई है। मेरे MRI रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, उसमें कुछ भी नहीं आया है, और अभी ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन मेरी मेडिसिन चालू है तो वो कम से कम मुझे 1 महीना लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। और मेरा अभी मैं मंडे से योगा वगैरह सब चालू करूँगी वापस। बाय बाय दोस्तों, अभी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे।